हेलो हैप्पी चिल्ड्रन, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक साधु जी होते हैं जो पहाड़ों पे तपस्या करने जाते हैं। बहुत दिनों की तपस्या के बाद वो जंगल में वापस आते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पर जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो उन्होंने बहुत दिनों तक ना तो कुछ खाया होता ना कुछ पिया होता है, तो बिल्कुल ही दुबले पतले से हो गए होते हैं और वो आके चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो जब वो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो तीन जानवर जंगल से आते हैं और उनके पास आके दिखते हैं। उनको बहुत दया आती है कि ये साधु बाबा इतने दुबले पतले सूखे हो गए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। तो ये तीन जानवर कौन थे? एक था बंदर, एक था लोमड़ी और एक था खरगोश। अब ये तीनों आके बैठ जाते हैं और साधु जी से कहते हैं, अगर आप हमारी बात माने और थोड़ी देर और इसी पेड़ के नीचे यहीं पर बैठें तो हम आपके लिए कुछ खाना लेकर आते हैं। साधु जी मान जाते हैं और वो वहीं बैठे रहते हैं। अब ये तीनों जानवर आपस में डिसाइड करते हैं कि हमने साधु जी के लिए कुछ खाना ढूंढ के लेके आना जंगल से, और ये तीनों अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। तो तीनों जब अपनी दिशा में चले जाते हैं तो ये जो बंदर जी होते हैं, क्योंकि इनको पेड़ पे चढ़ना आता था, है ना, तो ये बंदर जी जाके पेड़ों से कुछ फल इकट्ठे करके लेके आते हैं और वो बैठ जाते हैं साधु जी के पास। और जो लोमड़ी जी होती है, आपको पता है वो तो बहुत चालाक होती है, उसको गांव का रास्ता पता था तो वो गांव में से घुस के चोरी चोरी से कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा करके लाती है और साधु महाराज के पास आके बैठ जाती है। पर जो हमारा खरगोश होता है, इस बेचारे को कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता और ये खाली हाथ आके सामने साधु जी के बैठ जाता है। जब इस खाली हाथ आके साधु जी के पास बैठ जाता है तो बाकी दोनों जानवर उससे पूछते हैं कि तुम क्या लेके आए? तो खरगोश बोलता है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो बाकी दोनों बोलते हैं, लोमड़ी और खरगोश, कि ऐसे नहीं चलेगा, हमने साधु जी को बोला था कि हम तीनों कुछ ना कुछ खाने को लेके आएंगे और तुम खाली खा के बैठ गए। तो तभी खरगोश ने कहा कि तुम आग लगाओ। लोमड़ी को और बंदर को बोला कि तुम थोड़ी सी आग लगाओ। तो दोनों ने थोड़ी सी आग लगाई और आपको पता है कि खरगोश ने क्या किया? खरगोश उस आग के अंदर कूद गया ताकि वो साधु जी का खाना बन सके। अब साधु जी जो थे उन्होंने देखा और जैसे देखा उन्होंने ना क्या किया पता है? वो जो खरगोश है ना, उसके दोनों कान को पकड़ के उसको आग से निकाल के हवा में उछाल दिया, जोर से आसमान की तरफ को फेंक दिया। और क्या हुआ पता क्या हुआ? जो साधु था वो खरगोश की सच्चाई और उसका मन देख के कि वो कितना चाहता था कि कुछ खाने को साधु को मिल जाए, वो बहुत खुश हो जाता साधु, और इसलिए वो उसको उठा के, एक तो उसको बचाता भी है आग से, मरने से बचाता है, और उसको सीधा आसमान की तरफ फेंक देता है जहाँ पे चंदा जी, चंदा मामा मतलब मून जो होता है, वो उसको अपनी गोदी में ले लेता है। और तब से क्या होता पता है? तब से जो सारे खरगोश हैं वो आराम से चांद के ऊपर आराम से रहते थे, और इसीलिए धरती पर भी जो खरगोश हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और तब से उनको कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। है ना अच्छी स्टोरी, है ना अच्छी कहानी, है ना? तो देखो खरगोश ने क्या किया, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था और उसके दोस्त उसको बार बार चिढ़ा रहे थे कि जल्दी जाओ कुछ लेके आओ, साधु जी को हमने कह दिया है कि हम उसको खाना देंगे, है ना? तो अगर आपको अच्छी लगी स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट्स लिखना। बाय बाय।